भारत सरकार द्वारा एपीडा के माध्यम से ऊपरी शिमला के बागवानों को सेब की आधुनिक विधि से ग्रेडिंग पैकिंग सुविधा के लिए ओडी में संयंत्र स्थापित किया गया है, ताकि लोगों का सेब आसानी से समय पर मशीनों की सहायता से ग्रेडिंग पैकिंग हो और बाजार में सेब का उचित दाम मिले। लेकिन संयंत्र पिछले कुछ वर्षों से मामूली तकनीकी खराबी के कारण ठप था। भारत सरकार द्वारा एपीडा के माध्यम से ऊपरी शिमला के बागवानों को सेब की आधुनिक विधि से ग्रेडिंग पैकिंग सुविधा के लिए ओडी में संयंत्र स्थापित किया गया है, ताकि लोगों का सेब आसानी से समय पर मशीनों की सहायता से ग्रेडिंग पैकिंग हो और बाजार में सेब के उचित दाम मिल सके। लेकिन संयंत्र पिछले काफी वर्षों से मामूली तकनीकी खराबी के कारण ठप पड़ा है। इस बार बागवानों ने स्वयं प्रयास कर संयंत्र का कुछ हिस्सा ठीक भी करवाया है, लेकिन HPMC प्रबंधन की ओर से संयंत्र में सेब ग्रेडिंग और पैकिंग का काम करने के लिए ठेका प्रक्रिया ही पूरी नहीं की गई। बागवानों का आरोप है कि सेब सीजन समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण ठेके का टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो कि औपचारिकताएं सेब सीजन से पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे में सेब बागवानों को अतिरिक्त धन खर्च करके स्वयं ये सारा काम करना पड़ रहा है। इस संयंत्र में रोज 2000 से अधिक पेटी ग्रेडिंग पैकिंग की होती थी। उनका आरोप है कि HPMC ने जो इस बार सेब कर्टन सप्लाई किए हैं, वो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं। उसमें सेब भरकर लंबी दूरी तय नहीं कर पा रहा है। कुमार सेन के निवासी सुभाष गौतम ने बताया कि इस बार बागवानों को ज्यादा समस्या रही, जबकि यहाँ HPMC का करोड़ों का ग्रेडिंग पैकिंग संयंत्र है। मुख्य कारण ग्रेडिंग पैकिंग के लिए HPMC द्वारा टेंडर प्रक्रिया समय पर ना करना है। अब तक अगर संयंत्र काम कर रहा होता तो करीब 50,000 पेटी सेब यहाँ ग्रेडिंग पैकिंग द्वारा की जा सकती थी। अब लोगों को स्वयं मजदूर लगा कर ये करना पड़ रही है। मैं सुभाष गौतम नियर बाई है मेरा, एक्चुअल ऑर्चर्ड भी यहाँ पे। इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ ग्रोवर को रही है। मेन प्रॉब्लम ये रही जो टेंडर नहीं हो पाया यहाँ पे HPMC के मशीन में। इतनी बड़ा प्लांट है, इन क्रोड्स का प्लांट है, जबकि इस प्लांट में मुझे लगता है कि HPMC के अभी तक 40-50,000 बॉक्सेज अभी तक आराम से निकल जाते हैं। बट यहाँ पे ये स्थिति है कि अपनी लेबर लेके आना पड़ता है और अपनी लेबर से ही हमको सारा जो भी भरवानी पड़ रही है। और दूसरा यहाँ पे ग्रोवर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे बोरियों की प्रॉब्लम ही है, कोई वेट नहीं हो रहा है। कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका कोई पता नहीं है, कोई वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, इसमें भी कोई क्लियर नहीं है। अब ग्रोवर जाते हैं, उनको सॉर्टिंग के लिए खुद लेबर मैनेज करनी पड़ रही है। जैसे कार्टन है, कार्टन की प्रॉब्लम भी, कार्टन कोई अच्छी क्वालिटी का कार्टन यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाया है, जो कि इन्होंने खुद परचेज करते हैं HPMC ही। उसमें क्या रीजन रहा है वो तो यही कह सकते हैं। वहीं नरेंद्र सिंह का कहना है कि संयंत्र में उन्हें उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेडिंग पैकिंग के लिए लेबर संयंत्र में नहीं है। दूसरा, MIS का बोरी सेब 10 से 5 बजे तक ही लाने की सुविधा है। बागवानों को MIS के इस सेब को यहाँ लाने में समय की पाबंदी भी झेलनी पड़ रही है। 5 बजे के बाद बोरी सेब पहुँचता है तो उसे वापस कर दिया जा रहा है। सिंह जी, क्या समस्या है? तो हमारे ये जो है, मतलब यहाँ पे एक तो ग्रेडिंग पैकिंग की करोड़ों की मशीन है यहाँ पे लगी, और यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे को खुद भरना पड़ रहा है सेब। ठीक है जी। फिर और ये बोरी के बारे में, इसमें टाइमिंग बढ़ाई है, इसमें 10 से 4, 10 से 5। तो अगर मतलब 9:30 बजे बंदा आता है तो वो बोरी कहाँ रखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हमारे को बोलते हैं आप लोग डिपार्टमेंट वाले, हमारे को बोलते हैं कि गेट से बाहर रखो। गेट से बाहर हम कहाँ रखें, कौन हमारी बोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लगा रहेगा जी? वहीं विनोद कुमार ने बताया कि HPMC की हालत देखकर दुख हो रहा है। एपीडा के सहयोग से करोड़ों के मशीनें बागवानों की सुविधा के लिए स्थापित की गई थी। प्रबंधन की लापरवाही से 4 साल से संयंत्र खराब पड़ा है। संयंत्र स्टाफ की सहायता से बागवानों ने विदेशों तक संपर्क स्थापित कर मशीन को चलवाने लायक तो बनाया है, लेकिन संयंत्र के ग्रेडिंग पैकिंग के टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं की गई। उन्होंने बताया कि संयंत्र की दशा खराब है, मशीनें बेकार होती जा रही हैं, सेब कटर भी HPMC का घटिया है, HPMC प्रबंधन उदासीन पड़ा हुआ है। चलो सर। सर, मैं विनोद शर्मा। HPMC की हालत देखकर तरस भी आता है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि जिस पैटर्न पे HPMC डिपार्टमेंट काम कर रहा है, खासकर इसके जो ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हुए हैं,
चाहे वो एमडी हो या चेयरमैन हो या इनके जीएम, ये एचपीएमसी की मशीन जो पैकिंग ग्रेडिंग हाउस एपीडा की एड से लगा हुआ है, चार साल से मशीन बंद पड़ी हुई है। यहाँ के लोकल स्टाफ के साथ हम लोगों ने हेल्प करके इसको दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस इटली से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके इसको ऑपरेट करवाया था। उसके बाद मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे इसके ब्लोअर में, जो मेरे कल जब से मशीन लगी वो चला ही नहीं, ठीक है ना जी। और साथ में कुछ एक बेल्टें या बेरिंग्स इसके चेंज होने थे, लेकिन एचपीएमसी की हालत यह है कि इस मशीन को हमने तकरीबन 12-15 जुलाई के बीच ठीक कर दिया था, थोड़ा बहुत चलने लगे। और कुछ एक जो उसके स्पेयर पार्ट्स पड़ने थे हमने जीएम को और आरएम की नोटिस में भी लाए थे, इन्होंने ना वो लाया और ना ही तो पैकिंग ग्रेडिंग के इन्होंने कोई टेंडर्स करवाए। टेंडर फॉर्मेलिटीज इनकी शुरू होती हैं 7 अगस्त के बाद, और जबकि सेब सीजन शुरू हो जाता है 12 से 15 जुलाई। इलाके का कम से कम 80% सेब खत्म हो गया हुआ है और अभी तक इसके कोई भी टेंडर्स नहीं हुए। आप देख रहे हैं ग्रोवर्स की हालत कि मशीन पे अपने लोकल मैनेजर की हेल्प से और जो यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉयज हैं